पूरे नजारे हैं ना इंडिया के, वो है पहाड़ों में यार, अलग ही लेवल पे मन लग जाता है यहाँ पे। मजाक की सो बात होती है, क्यों छेड़ रहा है यार? गाड़ी की चाबी मैंने तेरे को दी थी। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ पहाड़ की मैगी। जी क्या कर रहे हो भैया, नशा करवा रहे हो क्या? ये यार इनका कहना था कि ना सिर्फ घोड़ा ही जा सकता है वहाँ पे, पैदल जाओगे तो आपके पैर जूते सब गंदे हो जाएंगे। हम तो जा रहे पैदल भाई, हम नहीं ले रहे घोड़ा। हम अब इस बंदे को अगर मैं बेल्ट मार के भगाऊं तो ऊपर कैसा लगे इसको? भाई क्यों भगा रहा है भाई इनको यार, देखियो कैसे भगा रहा है भाई। छोले खाने के लिए चम्मच देख तू। भेलपुरी भेलपुरी 100 रुपए 100 रुपए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार जैसे कि अपने लास्ट ब्लॉग के अंदर देखा था, हम लोग शिमला आए हुए थे और यार काफ़ी थक गए थे रात में, और ना यहाँ पे घोड़े बेच के सोए सारे के सारे और अभी तक उठे भी नहीं है, और 9 बज चुके हैं और सब कह रहे थे कि 9 बजे निकल लेंगे हम यहाँ से, 9 बजे निकल लेंगे, और अभी कोई उठा भी नहीं है। और यार ये यहाँ पर आप ना व्यू देख सकते हो पीछे, अरे दिख जा भाई उधर पूरा शिमला है वो। और अब भी है ना जिस रूम में मैं हूँ ना वो थोड़ा नीचे है, और जो दूसरा रूम था ना हमारा वो ऊपर था, तो वहाँ से सही व्यू दिखता है। बट यार हम मैंने नीचे ही सो गए थे क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मेरे को है ना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मैंने अपना लैपटॉप नहीं लेके आया आर्यवाड़ी से। मैंने सोचा चलो कोई नहीं काम चल जाएगा, और यार पूरा स्टोरेज भर गया फ़ोन का, अब बहुत मुश्किलों से काम चला रहा हूँ। खैर जो भी फ़ोन की चीज़ें ना वो सारी की सारी आईपैड में डाल के काम चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो है ना मैं ही उठाऊँ, यहाँ पे सारे के सारे सोने लग रहे हैं। यहाँ पे हरिकेश भाई तो सो रहे हैं और मैं अपने कपड़े वपड़े निकाल लिए अपने, मैं सबसे पहले रेडी होकर बैठ जाता हूँ। तो यार गाइस अभी ना मैं तो नहा धो के बिल्कुल ऑल सेट, और अब बारी है सबको उठाने की। भैया भैया खड़े हो जाओ, 9:30 हो गए। यार इसको देखो ये यहाँ पे सुबह सुबह उठ के नहाया हुआ, इसकी एक बार गैस हरकत है देखो, बंदर छेड़ रहा है यहाँ पे लेजर लाइट से। बस सब रेडी हो रहे हैं, हाँ फिर यहाँ से निकल रहे हैं, और हम रात को भाई कहाँ स्टे कर रहे हैं? रात को हम जा रहे हैं कुफरी, आज हम जा रहे हैं कुफरी, रात को स्टे करेंगे हॉस्टल में। हॉस्टल में बुक करके अभी देखते हैं, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पहले कुफरी तो पहुंच जाए यार हम किसी तरीके से। हमारा ऐसा ही है यार प्लान। अरे रहने दे भाई, मत छेड़ना यार तू, यार क्या लेजर लूजर मार रहा है बंदरों पे? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। सबके सब ने ऊपर दूसरे रूम में ब्रेकफास्ट कर लिया, और हमें बताया भी नहीं, मतलब खा पी के बैठे हैं सारे के सारे, और सारे तैयार हो रहे हैं। तो यार हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो अभी ना होटल रूम पे ही ऑर्डर कर देता हूँ मैं, कुछ आ जाएगा ना। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी। कॉम दे दो, कॉम कुम नहीं हमारे पास, ऊपर से सारी खबर लेकर आ रहा हूं। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, अपना तो कर लिया आप लोगों ने, शर्म तो नहीं आई, अकेले अकेले खा लिया। हमसे फोन करके भी पूछ लेते ना तो भैया तो थोड़ा ठीक रहता कि हाँ चलो यार तुमने करना है नहीं करना। तुम लोग सो रहे थे यार? हम 6 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, 5:30 उठे हुए हैं। तो 5:30 और 6 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमें ना होटल में ये सोप मिला लगाने के लिए, साबुन कितना छोटा है यार ये, इसको कहाँ कहाँ रगड़े यार समझ में ही नहीं आ रहा, इतना छोटा है देखना, 4 उंगलियों से भी छोटा है यार ये। भाई चले चले हो गए तो फैशन तुम्हारा, चलो भाई चलो, चप्पल दे पहले तो मेरी दे। भाई गाड़ी की चाबी मैंने तेरे को दी थी, गाड़ी चाबी तेरे पास थी, गाड़ी चाबी ऊपर का है भाई, गाड़ी की चाबी तेरे पास थी भाई, चाबी तेरे पास है, ओए तू लेके आया था, तेरे थप्पड़ मारूंगा नीचे, किसने बोला था कि जब ऊपर चढ़ा, किसी के पास थी तेरे पास दी थी भाई, तेरे पास है गाड़ी की चाबी, अपने बैग चेक करो भैया। भाई लो भाई बहुत बढ़िया भाई, बैग वो खोल लो भाई, बैग खोल, वो चाबी खोदी, अब धक्के मार गाड़ी पे जा, मैंने इसको बोला चाबी चाबी रख ले, अरे ये बेल्ट पे छोड़ गया भाई साहब, और वो तो शुक्र हमने रख ली, और बाई चांस अगर कपड़ों में लिपट के गिर जाते फिर क्या करता भाई, अरे छोड़ो ना सारी बात है भाई, ड्राइवर चाबी ले तेरे होटल रूम, बाय बाय जा रहे हैं हम अब बाय। बंदर के लेजर लाइट मार रहा है, अबे नहीं जाएगा उसके तक, अरे जाएगा देख अबे ऊपर आ जाएंगे यार, आदि मान जा भाई, मजाक की सो बात होती है, क्यों छेड़ रहा है यार, बेजुबानों को छेड़ने लग रहा है तू, यार वो बोल रहा है सिमरन तू सिर्फ मेरी है, बद्दुआ ले रहा है तू भाई, कुछ नहीं ले रहा, बद्दुआ ले रहा है तू उनकी, यार वो आपस में लड़ बंदर छेड़ रहा है, पागल है क्या? अंदर रख यहाँ से ना, ट्रॉली ट्रेन जा रही है जाकू मंदिर, और वो देखो वहाँ पे ऊपर जाकू मंदिर के लिए जा रही है भाई। क्या है क्या ये लक के लिए होता है? गुड लक, लक के लिए होता है, तो क्या करना है इसको? उत्तराखंड में इसकी उत्तराखंड में मान्यता है, पत्तों को हाथ पत, अब ना, नहीं क्योंकि इसमें होते देखो, अपने नहीं नहीं ऐसे बता रहा था वो, इसके पत्ते काट के ना अपनी तिजोरी में रख दो, अच्छा तिजोरी भर जाएगी, तिजोरी में वैसे मनी प्लांट से बैठ रही है, इसमें जैसे कांटे लोग होते हैं कांटे चुभने वाले होते हैं, पर चुभने वाले नहीं होते, अच्छा बड़े जैसे सॉफ्ट से कांटे होते हैं, अच्छा, और उसे तोड़ के अपने पर्स में रखोगे, इसके पत्ते तोड़े अपने पर्स में रखोगे, रख लिया साले बचपन से मैं बहुत करता हूँ मेरे वहीं पे,
नीचे उतर आए हम पार्किंग के पास में। अभी सही मजा आया मतलब उतरने में, रात को तो हालत टाइट हो गई थी क्योंकि यार हमने रेस्ट कर लिया आज फुल ऑन, तो अब सही है। अब बस गाड़ी उठाते और सीधा कुफरी निकलते हैं। भाई रखो रखो सामान रखो जल्दी फटाफट। हो गया भाई सबका श्रृंगार हो गया तो निकले अब हैं, डन। चलो भाई चलो भाई, एक नंबर का लग रहा भाई। दाऊद इब्राहिम हम निकल चुके हैं कुफरी के लिए और विद कुफरी पंथी फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कुफरी पंथी है। फुकरी पंथी, फुकरा पंथी, नहीं मैंने उसको कुफरी बना दिया भाई, मेरी मर्जी। मेरा चैनल मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, फैमिली कंटेंट है। गाली मत दो ना फिर यार, कंटेंट है गाली। जोगिंदर भाई यार एक बार छाती में, छाती में मुक्के मारी है यो तारा भाई। जोगिंदर भाई साहब गाड़ी चला देगा हिमाचल के पहाड़ पे, इतनी चला देगा, इतनी चला देगा, चला देगा, इसी चला देगा, किसी ने सोची ना होगी। अरे शिमला के पहाड़ फाट के गड्डी में बैठ जाएंगे। तो यार अभी ना पूरे कुफरी के रास्ते पे जाम, और अभी हमें जाम में खड़े पिछले 10 मिनट से, तो हमने सोचा कि एक बार निकल के बाहर चलते देखते कि कहाँ पे जाम लगा पड़ा है। इस ट्रक की वजह जाम लग रहा था, रोंग साइड फंसा रखी थी इस भाई साहब ने यहाँ पे, और यही जाम था, खुल गया पूरा जाम। व्यू देखो व्यू, एक बार व्यू। और भाई झका तू मत देख भाई ड्राइव करते हुए। गाइस अभी ना हम यहाँ पे रुके थे और है ना ये याक दिख रहे हैं ना आपको पीछे, यहाँ पे याक पे फोटो क्लिक करवाएंगे, वहाँ पे है वो, वहाँ पे उधर की तरफ। चलें भाई चलें, याक पे बैठना है ना। चल भाई बैठो याक पे। मैं ना तुझे वो वाली ड्रेस पहनाना चाहता हूँ यार। तू पागल तो नहीं है भाई ना, जूम कर, जूम करके दिखा। कौन सी वाली? वो वाली ड्रेस पहनाना चाहता हूँ ना भाई, मेरे को नहीं पहननी, सॉरी। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। कितने प्यारे लग रहे हैं वैसे। अरे भाई ऐसे मत मारो यार भाई, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, प्यारे नहीं लग रहे यार वैसे। मन कर रहा घर ले चले, स्मूच स्मूच कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा भाई? मैं और क्या कर रहा है, पपोल रहा हूँ भाई। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब चढ़ते के साथ सुसु कर देता है, जोर लगता है सुसु कर देता है यार। फिर तो भाई मैं नहीं चढ़ रहा यार ऐसे बेचारे का, बार बार सुसु निकलेगा। पांच जने हम, पांच बार सुसु करवाओगे क्या? अबे साले ओल्ड है, कितने कितने साल गए? बकरी है, हिमाचल की बकरी। अरे भाई साहब हिमाचल की बकरी, इनसे याक नहीं है, याक दूध दही की। भाई अमूल वालों को नहीं दिख जानी चाहिए, नहीं पकड़ के ले जाएंगे। शिलाजीत भाई साहब हिमाचल का, एक बार सूंघ के देख, एक बार भाई सूंघ के देख, एक बार पत्थर इसमें से खुशबू नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी, फिर किस काम का यार? ये बाबू जी दूध में डाल कर पीते हैं, उससे क्या होता है? ये कमर के लिए, जोड़ों के लिए, ताकत के लिए। अब बाबा रामदेव का नाम सुना सर आपने? बाबा रामदेव कौन है? जो योगा वगैरह बताते हैं। नहीं भाई मैं नहीं जानता। मस्त जोक मारा रे पंडित जी ने। नहीं मैं नहीं जानता। उनके आश्रम से ले लेंगे। उनके आश्रम से मिलता है ये? तू वहाँ से ले लेंगे? कहाँ है उनका आश्रम? पूरी जी क्या कर रहे हो भैया, नशा करवा रहे हो क्या? ये माचिस से गर्म कर भाई। अच्छा अच्छा गर्म करके चलता है क्या ये काम इसका? तार खींच के बताएंगे आपको। तार खींच के? तार भी है इसमें? तार कौन हो सकता है? पैसा बर्बाद ना। हम यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे और यार मेरी कोई भी फोटो ढंग की नहीं ले रहा, सब अपनी अपनी बढ़िया खिंचवा रहे मुझसे, मेरी कोई भी नहीं ले रहा भाई। एक फोटो तू ले दी मेरी, एक फोटो तू ले दी मेरी भाई। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर हूं, अगर फोटो अच्छी नहीं हुई तो इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। अकॉर्डिंग टू यू एडिट करके डालूंगा, अच्छी कैसे नहीं आएगी? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो यार। जो पूरे नजारे हैं ना इंडिया के, वो है पहाड़ों में यार, अलग ही लेवल पे मन लग जाता है यहाँ पे। तो मन कर रहा है यही बस जाए, बस यही ले लेते हैं। मम्मी ब्लॉग देख रहे हो, प्लॉट निकलवा लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है ना? है भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी को बोल दिया मैंने ब्लॉग में, मम्मी एक प्लॉट खरीद लेते हैं यही, क्योंकि रेवाड़ी में तो हमसे खरीदे सस्ते भाई, रेवाड़ी में नहीं खरीदा जा रहा भाई, 2-2 करोड़ के प्लाट है, यहाँ खरीद लेंगे इतने में तो, एक है ना? ये सही है भाई, लोन करवाओ भाई। भैया मिर्च कम डालना, तो यार गाइस अभी ना मैगी बनवा रहे हैं हम यहाँ पे, मिर्च कम ही डालना भाई, बिल्कुल कम। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ पहाड़ की मैगी। पकड़ो चाबी दे। अरे अरे गरम है, चले भैया आ जाओ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, आ जाओ। और आगे जा रहे हो और कहीं पे ऊपर? वो पहाड़ वाली जगह देख लो भाई। हाँ भाई वो पहाड़ वाली जगह दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। अरे यहाँ पे कुफरी पड़ती है, अब तो बर्फ ही नहीं पड़ रही यार। आगे, आगे, आगे मिलेगी, मिलेगी। चलो 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 मिलेगी तो चलो। हम कुफरी पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे, और यार यहाँ पे ना बहुत लिटरली बता बहुत गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि बहुत सारे घोड़े खच्चर हैं। आदित्य हम कल ही बात कर रहे थे इस बारे में कि यार लोग इनको लेके जाने लग रहे हैं भाई। पैर है, पैर से चढ़ो भाई, क्या चक्कर है? सारे के सारे है ना अपने अपने खच्चर
खच्चर ले लेके जाने लग रहे हैं यहाँ से। पैर से चल लो यार, मरे थोड़ी ना जा, फिर घूमने की वजह से छोड़े घर में बैठे रहो, खच्चर के ऊपर गधे जा रहे हैं। जो आप ये वाला पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा बर्फ से ढका होता है यहाँ पे, लेकिन अब गर्मी की इतनी ज्यादा हो रखी है यहाँ पे, धूप की वजह से बर्फ ही नहीं है, नामो निशानी नहीं है बर्फ का। तो भाई हम तो घोड़ा बिल्कुल, मैं तो नहीं लूंगा यार घोड़ा बिल्कुल। मेरे ग्रुप का लीडर वो देखो, वो चश्मे वाला बंदा ना, वो हमारे ग्रुप। अरे देख भाई देख सुन यार, बेवकूफ है, घोड़ा लेके जाएंगे हम भाई, नहीं लेके जा रहे यार। इनका कहना था कि ना सिर्फ घोड़ा ही जा सकता है वहाँ पे, पैदल जाओगे तो आपके पैर जूते सब गंदे हो जाएंगे यार, घोड़े के नहीं लेना। लगा रहे हो? नहीं नहीं भाई, नहीं लेना घोड़ा, नहीं लेना, पैदल जाएंगे भाई, पहले जाते हैं यार। अबे क्या गंदा भाई, कोई नहीं, कोई दिक्कत, अबे जूते ही तो गंदे होंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। गाइस हम तो जा रहे हैं पैदल भाई, हम नहीं ले रहे घोड़ा, हम तो वैसे ही आगे इस चीज के, हम बेवकूफ थोड़ी ना यार घोड़ा लेके जाएंगे। यहाँ पे ना मेनली तो सारा गंदा हो रखा है, पूरा गोबर वोबर पड़ा है, तो यार लिटरली भाई हम तो इस चीज के अगेंस्ट है बिल्कुल, सारे के सारे लोग घोड़ा लेके जाने लग रहे हैं। चलेंगे यार, क्या दिक्कत हो गई, गंदे ही तो होंगे, दोबारा साफ कर लेंगे जूते। चलो 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 भाई, ये रास्ता किसने ब्लॉक करवाया हमारा भाई शुभम? मार्केट स्ट्रेटजी समझो। नहीं यार भैया, पता है पैसे की बात नहीं है यार, पैसे वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट है इस चीज के यार। यार फिर भी भाई मैं बहुत वैसे, अरे नहीं यार लेना ही नहीं है, पैसे की बात है यार, कमाल कर रहा है शुभम। तर गाइस यहाँ पे ना लोग दिमाग से खेल रहे हैं, क्या है, जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे ना वहाँ पे चारों तरफ गोबर जानबूझ के फैला रखा है, ताकि लोग वहाँ पे देख के घोड़ा ले ही ले, और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे बिल्कुल साफ है, इतना कुछ भी गंदा नहीं है। तो यार दिमाग से खेल रहे ना लोग। एक बात बता, आप आ जाएंगे हम? सही बात है, पैर है, पैर है ना भाई हमारे। चलो भाई, जानवर चल सकते, नहीं चल सकते? बिल्कुल भाई, देख लो यार, कोई भी बंदा, कोई भी XYZ, कोई भी पैदल नहीं है, सिर्फ हमारे, हम ही जा रहे हैं पैदल यहाँ पे, हर कोई बंदा घोड़ा लेके जा रहा है। खुद देख ले रास्ता कितना साफ है, बिल्कुल साफ है भाई, मार्केट खेल रहे भाई बंदे यहाँ पे। अरे लूडो खेलो भाई, मार्केट मत खेलो किसी के साथ में। ओ भाई 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 भाई, जाओ जाओ जाओ, अरे नहीं 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 भाई, लेना ही नहीं। अरे यार भाई 100 रुपए की बात ही नहीं है यार, धन्यवाद अंकल जी, हम फ्री में भी नहीं जाएंगे। ये किस चीज के भैया? ग्राम पंचायत का एंट्री, 5 लोग, 5 लोग भाई, 50 काटो। ये किस चीज की एंट्री फीस है भाई? पर्यटक वाली। फिर वैसे आप एक बात बताओ, पैदल तो आ सकते हैं लोग, फिर भी घोड़ा घोड़ा लेके आ रहे हैं यार? सर घोड़ा का ही तो मैंने यहाँ पे है ना, अब जो धूल मिट्टी से नहीं जा सकता ऐसे, धूल मिट्टी क्या यहाँ पे, कोई क्या वो टीबी वाले पेशेंट आ रहेगा भाई? सब आते भैया, तो घूमने तो कौन नहीं आता। अरे नहीं भाई, पेशेंट क्यों आएगा भाई, पेशेंट तो हॉस्पिटल चला जाए वही बहुत बड़ी बात। मैं खुद मरीज हूँ भाई, कैंसर का पेशेंट है। अरे भाई वो तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं खुद मरीज हूँ, कैंसर का मरीज है फिर भी आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहा हूँ भाई बिल्कुल। ना इनकी आंखों में और इनकी इनके फेस की तरफ देखो, कितने परेशान, कितने दुखी लग रहे हैं यार। मतलब यार खुश तो है ही नहीं भाई, कोई भी खच्चर खुश नहीं है, और लोग यार यहाँ पे मतलब हद की बात है भाई, 100-100 किलो का वजन लेके यहाँ पे आ गए घूमने के लिए, और फिर उनके ऊपर चढ़ के जाने लग रहे हैं, गलत चीज है यार, लोग समझेंगे कब यार। मतलब यार एनिमल्स को भी समझना बहुत जरूरी है भाई, पर इंसानियत तो आजकल है ही नहीं लोगों में, इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं बची यार लोगों में। यार हम भी चल रहे हैं भाई, हम ऐसे रस्तों पे खुद चल रहे हैं भाई पैर से, और वो भी व्हाइट स्नीकर डाल रखे हैं, हम नहीं कह रहे कि भाई हमारे पैर में दर्द होगा। यार लोग है ना हील्स पहन के यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, खच्चर के ऊपर घूमने लग रहे हैं। अभी ना मैंने केदारनाथ वाली पोस्ट देखी थी बहुत सारी, मतलब फील हुआ था उस टाइम भी देख के, लेकिन आज लाइव फील कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। देखो यार कोई भी खच्चर खुश नहीं है, सब ऐसी धक्का मुक्की भगाने में लगे हुए यार, हद ही है यार भाई। एक बार आप भीड़ देखो यहाँ पे यार, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो लोग थोड़े से एज में ज़्यादा है, लेकिन यार उनके लिए यार सोचने की बात है यार, जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं 30 साल से नीचे 35 साल से नीचे, यार हद ही है यार, मतलब कि बेवकूफ़ी की जिसको बोलते हैं ना हद, वो कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो ये खच्चर वगैरह कब कहाँ जा रहे हैं? ये ऊपर छोड़ देंगे बस, ले आकर आपको घुमाएंगे थोड़ी, वो तो नहीं स्पॉट पे ले जाएंगे सिर्फ। अच्छा ऐसे बोल रही है, 10 मिनट का रास्ता हो रहा है, 10-15 मतलब इतने सारे इनको ऐसे ही परेशान कर जा रहा है अभी, जुड़ लो पता नहीं क्या है क्या नहीं, चढ़े ओ
अरे भाई साहब ये है भाई साहब ये मस्ती खो रहा है भाई, बिल्कुल मस्ती खो रहा है। काम चोर है? नहीं काम चोर नहीं, अरे आराम से जा भाई, कोई नहीं छेड़ रहा तेरे को, कोई नहीं पकड़ेगा भाई, जा 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 जा। एक चीज तो करनी पड़ेगी भाई, वफादारी देख ना इनकी, सबसे बड़ी चीज वफादारी देख, मतलब इतना करने के बाद भी ये चल रहे है भाई, इनको देख रहे यार हम भाई, मेरे नहीं नहीं लिटरली भाई मेरे को अपने ओबी की याद आ गई, नहीं सही में आ गई भाई, क्यों भगा रहा भाई इनको यार, देखियो कैसे भगा रहा भाई, अब इस बंदे को अगर मैं बेल्ट मार के भगाऊं तो ऊपर कैसा लगे इसको, मजा सा आ रहा है ना, ये सही भगे ये मैं बता, फिर रिएक्शन ऐसा होगा हमारा, अच्छी मजा आई, इन जैसों के साथ ऐसा ही होना था, अच्छी मजा आई। अरे ये कहाँ जा रहे हो यार, तुम लोग दिखे ही नहीं मेरे को, खच्चरों के बीच में मिक्स हो गए तुम लोग। अभी ना 2-3 किलोमीटर का पाथ कंप्लीट करके हम पूरा यहाँ पे पहुंचे हैं, और अभी तक तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है, आगे चलते थोड़ा सा और। ठीक है भाई, ये क्या है घाटियों, हिमाचल के खरगोश, नाइस। ये देखो एक बार हिमाचल के खरगोश कैसे है, ये क्या अलग अलग है क्या, ये कैसे है, इसकी वेरायटी अलग अलग रही है यार, गाइस एक बार देखना कितने कितने सॉफ्ट है, अरे बड़े सॉफ्ट है, इनके बच्चे नहीं, नहीं बच्चे आप हो, इनके बच्चे नहीं है। ना यहाँ पे ये पूरी मार्केट लगी हुई है, मतलब कि जैसे हरियाणा में मेला लगता है ना, वैसे ये मार्केट लगी हुई है पूरी, और ऊपर पैदल चल के या घोड़े से जैसे भी आ रहे हैं आपको मिलेगी यहाँ पे सिर्फ मार्केट ही, बस सर्दी में और गर्मी में इतना फर्क है, अभी यहाँ पे गर्मी नहीं है, मंदिर भी है, धीरे धीरे चलेंगे आगे मंदिर, अच्छा मंदिर भी है, हाँ तो चलेंगे। बाकी सर्दियों में है कि यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्कीइंग वगैरह भी होती है, अच्छा, और स्नो के अलग अलग स्पोर्ट्स और भी होते हैं। वहाँ पे सामने मंदिर है ऊपर, जो भी भैया बता रहे थे ना वो वहाँ पे है ऊपर, अभी चल रहे हैं वहाँ पे भी। भाई हर्षिकेश भाई बता रहे थे ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो फ्लावर वगैरह ये सब, ये पूरा बर्फ से ढका होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और हम घूम रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जून में। जय भगवान जी की। तो यार यहाँ पे ना ये पूरा अंदर टेंपल है, उधर हनुमान जी महाराज, यहाँ पे शेर वाली माता, और यहाँ पे है नाग टेंपल जिसके लिए ये फेमस है यहाँ पे। रुक जाओ, इस पे बैठ के फोटो खींच क्लिक करवाएंगे भाई। ओए हेलो बम बूम तो नहीं ना कि बैठ से उड़ जाऊँ मैं। 150 रुपए। हाँ ये कर लो पहले। कुफरी में बस यही चीजें मिलेगी आपको, टिक्की कुलचे बर्गर और बस यही सारी चीजें बना दो भैया, कुछ भी बना दो। कोल्ड ड्रिंक नहीं है? कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी डिस्काउंट पे, दोगे तो लेंगे यार, 30 रुपए कोल्ड ड्रिंक कौन लेगा। कुलचे खत्म, क्या खत्म हुआ, कुलचे खत्म, चलो कोई नहीं आगे चलो, कुलचे खत्म भाई, शांतिपूर्वक तरीके से बैठ। और भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई, बढ़ जाएगा और क्या होगा इसका, ये बंदरों के छेड़ने का फल है। छोले नीचे हैं क्या भाई, अच्छा छोले अलग से, मैं सोचा भाई छोले नीचे हैं, यहाँ पे नहीं है यार, कैरी मिनटी मैगी नहीं है भाई, हमारे कुलचे ठंडे हो गए, छोले नहीं आए यार अभी तक, भाई छोले में पानी नहीं मिलना चाहिए, पानी मिला मैं वापस दे दूँ, पानी मिलेगा, अरे यार भाई पानी निकाल दे भाई इसका, भाई मेरे एक का पानी निकाल दे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सारे गंदे भरे भाई, गलत भाई, गंदी सोच है भाई तुम्हारी, छोले खाने के लिए चम्मच देख तू, अबे तू चम्मच देख भाई, मैगी चम्मच, मैगी यार अभी ना हमारा तो हो गया यहाँ पे लंच, घटिया 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 गर्म घटिया, कहीं मत खाना छोले कुलचे, अगर बोले ना अगर ऊपर आके कुफरी में, कभी मत खाना, जो तरी वाले देगा ना पहले पूछ लेना तरी वाले दे रहा है नहीं दे रहा, अभी ना हम नीचे उतर रहे सीधा, और सेम उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से आए थे, और यार ऐसे ही जाना पड़ेगा, पैदल ही जा रहे हैं हम, और यार यहाँ पे देख लो अभी भी लोग नीचे उतरते हुए भी है ना इन घोड़ों का यूज कर रहे हैं, खच्चर का मतलब की, मतलब यार हद है, ये भी उतर तो सकते हैं वैसे लोग यार, है ना, लेकिन नहीं भाई उनको तो मजा चाहिए, डर के आगे सही बात है, और अगर डर गए तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे। कि रास्ता भाई उतरते हुए और भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है भाई,
पैर स्लिप कर रहा है यार बार बार। स्पीड बढ़ रही है। हाँ स्पीड तो बढ़ रही है यार, ये तो है। जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, ये सब बर्फ से ढक जाता है भाई। और अभी बिल्कुल धूप के कारण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूना पड़ा है। आदित्य मैं तो एक चीज़ कहूँगा, फिर एक बार बर्फ में उड़ा के ट्राई करेंगे यार। बट शिमला नहीं है। शिमला, अरे कुफरी आएंगे एक बार, कुफरी तो आएंगे एक बार, देखेंगे तो फिर भी कैसा लगता है भाई। अगर बर्फ होगी ना तो रोड पे भी मिल जाएगी हमें, वहाँ पे मेन रोड पे। मच बेटर है मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट पीक। चल ठीक है फिर मसूरी चलेंगे। हम पहुँच गए फाइनली। और यार आते हुए सिर्फ कितने मिनट लगे हमें, 15 मिनट लगे शायद यार, हमें सिर्फ 15 मिनट लगे यहाँ पे आने में। तो यार वैसे ना बिना खच्चर और घोड़े के जा सकते हैं अपन, अगर जाना चाहे तो। अब जानबूझ के अगर किसी को हरकत करनी है ये खच्चर वच्चर लेके, तो भाई वो कर सकता है, हम उसको यही चीज़ कहेंगे। अवॉइड ही करे तो बढ़िया है भाई, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, घर पे जाके बात करूँगा इन सारी चीज़ों के बारे में बैठ के आराम से। यहाँ से निकलते सीधा शिमला के लिए, वहाँ पे हमारा रूम है, और वहाँ पे जाके हम अपने रूम तो हमने लिया है, दोबारा हॉस्टल लिया है, क्योंकि रूम काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है हमें, तो इसलिए हमने हॉस्टल लिया है। तो हम सीधा हॉस्टल जा रहे हैं, ड्राइव करूँगा मैं, तो अभी सीधा वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो यार अभी ना हॉस्टल मिल गया, रूम वूम लेते हैं और आराम से सोते हैं भाई, पढ़ते हैं। घुटनों में दर्द हो रहा है बहुत बुरा, खतरनाक। तो यार अभी ना इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए धीरू धीरू ब्लॉग्स विद लेजर लाइक। राधे राधे। ना बताया था ना मैंने आपको कि हम यार इस हॉस्टल में रुके थे रात में। तो यार इन्होंने ना पहले कुछ भी नहीं बताया हमें, उसके बाद हमने जब पेमेंट वगैरह सब कर दी, उसके बाद इनका कहना ये था कि यार यहाँ पर बैठ के बात नहीं करनी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। तो यार ऐसे मतलब यार यहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं बंदे, और क्या ही करे यार फिर वो, अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम बेकार, साफ सीधी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने अभी ना कैंसिल करवा लिया अपना, जो हमने जो बैट्स लिए थे ना वो हमने कैंसिल करवा लिया। कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल नहीं हुए वो, कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल नहीं हुआ वो, क्या हुआ? हमने इसका 100% चार्ज पे किया है, हमने इसका कोई रिफंड नहीं हुआ है, हमें कोई रिफंड नहीं हुआ। दूसरा रूम हमने बुक कर लिया, हमने चार्जेस दिए। हाँ तो हमने ना यहाँ से इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं देखा है। हर एक या दो महीने में 2-3 ट्रिप मारता हूँ, हिमाचल ठीक है, उत्तराखंड और लद्दाख वगैरह मैंने काफ़ी ट्रिप किया, लेकिन इतना गंदा हॉस्टल मैंने आज तक नहीं देखा। मैं लिटरली बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे आ रहे हो, इससे बेटर आप रोड पे पार्टी कर सकते हो, आप इससे बेटर कैफे में कर सकते हो, आप इससे बेटर रेलवे स्टेशन, आप बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे सो जाओ, इससे बढ़िया तो नेवर विजिट दिस हॉस्टल। भेलपुरी भेलपुरी 100 रुपए 100 रुपए, दो नींबू के साथ 100 रुपए 100 रुपए, नींबू बड़ा महंगा इसमें 100 रुपए। लिख के जाओ भाई भेलपुरी गोलगप्पे, पानी बिल्कुल तीखा वाला एकदम, मजा। ये देखना ये यहाँ पे ये बंदर को क्यों छेड़ रहा भाई, भाई बंदर को छेड़ रहा ऊपर लेजर लाइट से, वहाँ पे देखना छेड़ेगा वो। उड़ो 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 भाई, छिड़ गया वो भाई, डर गया यार। यार ये क्या तरीका आदित्य यार, बंदर छेड़ रहा है तो यहाँ पे।